बीएससी नर्सिंग जेएनएम एएनएम पैरामेडिकल काउंसलिंग 2023। काफ़ी वेट आप यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इस वीक अगर काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ अपडेट नहीं आता है तो आगे की कार्यवाही के लिए मैं यूनिवर्सिटी से इसके रिगार्डिंग बात करूँगा। आप यहाँ पे देख भी रहोगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो स्टूडेंट यहाँ पे पीएच कैंडिडेट थे, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे, उनके लिए जो डेट थी यहाँ पे एडमिशन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 तारीख तक रखी गई थी। तो देख सकते हैं आप 12 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी सेकंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन तो छोड़ो, कोई भी यहाँ पे जो डेट है, एटलीस्ट डेट इन्हें एक नोटिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना था अपनी वेबसाइट पे कि जो सेकंड काउंसलिंग है वो इस डेट को यहाँ पे स्टार्ट होगी, जिसके कारण स्टूडेंट थोड़ा सा कन्फ्यूज़ में नहीं रहते यहाँ पे कि कब तक सेकंड काउंसलिंग होगी। काफ़ी परेशान स्टूडेंट हो रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट के पेरेंट्स उन्हें परेशान कर रहे हैं कि कब तक तुम्हारी काउंसलिंग होगी, क्योंकि अभी तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है। मैं आप तमाम स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख भी रहोगे स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी वही काम कर रही है जो पिछले साल किया था। आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा है तो जो स्टूडेंट पिछले बार थे ग्रुप में, ग्रुप कहने का मतलब जो स्टूडेंट पिछले बार जिन्होंने पेपर दिया था, उन स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं। अगर वो कमेंट्स करेंगे तो उनसे पूछ सकते हैं आप कि प्रीवियस ईयर में भी यही हाल यूनिवर्सिटी का रहा था, सेम यही हाल इस बार भी यूनिवर्सिटी का देखने को मिल रहा है। काफ़ी डिले यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने कर दिया है। अक्टूबर का महीना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और अभी तक भी फर्स्ट काउंसलिंग की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुई, बाकी दो काउंसलिंग अभी बाकी बची हुई है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे यूनिवर्सिटी लगा रही है। अगर कल दिन तक या शाम तक कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं आता है दिन तक, तो मैं कल यूनिवर्सिटी से इसके रिगार्डिंग बात करूँगा। एग्जिट डेट मैं आपको कन्फर्म अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या यूनिवर्सिटी ने कहा है कब तक ये आने के चांसेस हैं। ध्यान देने स्टूडेंट, जब आपका ब्रॉडकास्ट सेकंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग आएगा उसी के बाद जब स्टार्ट वहाँ पे डेट जो अनाउंस होगी कि इस डेट को यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो यहीं पे आपका जो सीट मैट्रिक्स है सेकंड काउंसलिंग में कितनी सीटें बची है उस बेस पे आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी। और ध्यान देने स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो सेकंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट को कॉलेजेस एलोटेड हुआ है वो इस काउंसलिंग में सीट अपग्रेड कर सकते हैं। और ध्यान देने स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट को कॉलेजेस नहीं मिला है फर्स्ट काउंसलिंग में, उन स्टूडेंट को कोई भी फीस यहाँ पे नहीं देनी होगी। लेकिन जिन स्टूडेंट को कॉलेजेस एलोटेड हुआ था और वो कॉलेजेस नहीं गए थे, कहने का मतलब जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ था वहाँ विजिट नहीं किया एडमिशन के लिए, उन स्टूडेंट को सेकंड काउंसलिंग में यहाँ पे फीस देनी होगी। आई होप ये तमाम डाउट्स आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं। होप मत छोड़ो स्टूडेंट, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि कल मैं यूनिवर्सिटी में इसके रिगार्डिंग बात करके आपको आगे जो वीडियो होगी उसमें आपको कन्फर्म डेट बता दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अनदर क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कमेंट्स का आंसर आपको उस वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।